क्या हो गया, क्या हो गया ये साले? उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए। सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या? अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है। अच्छा अच्छा आ गया, हसमुख आ गया, आ गया हसमुख। ए हसमुख हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। हाँ मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं। तू अपनी आधी पगार मुझे देगा? पागल हो गया, पागल हो गया, भगवान मेरा दोस्त पागल हो गया। अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया। कैसे? मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था। क्या? हाँ किसको? ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था, उद्धित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको। कॉन्ग्रेचुलेशन। ए अंडू पांडो। यस सर। ये ले ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते आज। अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाइयां मंगवा रहा है। अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा। देखा दोस्त, ऐसे मेरे बेटे हर रोज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। ये दो टके के लोग मेरे घर पे आते हैं और मेरे लिए मुर्दाबाद के नारे लगा के चले जाते हैं। शहर में एक दुकान ऐसी नहीं बची जहां से उन्होंने उधार न लिया हो। 800 रुपए की सिगरेट पी जाते कम वक्त। अरे 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 हिम्मत से काम ले हसमुख, हिम्मत से काम ले। अरे जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना तुझे। अरे क्या बोया जो मैं ये दिन काट रहा हूँ यार? सुखी तो तू है जो भगवान ने तुझे एक बेटी दी है। मुझे भी अगर दो बेटियां देता ना तो मैं सुखी हो जाता। हाँ जरूर सुखी हो जाता। तुझे दो बेटों की जगह दो बेटियां मिलनी चाहिए थी, जैसे तेरे दो बेटे वैसी। फिर तेरा सफेद मुंह काला हो जाता और तुझे फांसी लगाकर खुदकुशी करनी पड़ती और तेरी लड़कियां सारे शहर में आग लगाकर। अबे तेरे को शर्म है कि नहीं, कुछ भी बकवास करता रहता है। अरे हाँ लू का पटा जगह के लिए आया था। अरे हाँ मैं काय के लिए आया था? मैं कुछ काम के लिए आया था, लेकिन मैं भूल गया मैं किस लिए आया था। अबे तू अपना इलाज करा, क्यों पुलिस डिपार्टमेंट का सत्यानाश करता है यार? अच्छा प्रिया बेटी कैसी है? अरे हाँ याद आया, उसी के लिए तो आया था मैं। हंसता भी ऊपर से। प्रिया बेटी सहेली के साथ संगमपुर गाँव गई है, दो दिन में आने वाली थी, वो अभी तक नहीं आई, इसीलिए तो जा रहा हूँ। तेरी वो बड़ी वाली कार चाहिए मुझे, बड़ी वाली। एक मिनट क्या हो गया? बड़ी वाली कार? हाँ बड़ी वाली कार में तू बेटी को लाने जा रहा है या अपनी महबूबा को मिलने जा रहा है? अबे खूसट शर्म कर, इस उम्र में तू महबूबा पालता है, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तूने उसे देखा नहीं है। मुझे देखना भी नहीं है। देखने से पता चलता है कि तूफान को किसी कपड़े में कैद करके रखा है। तंबू के जैसे। अरे तंबू नहीं, कयामत है कयामत। शॉर्टकट में एक बात बोलो, तू उसे देखेगा ना तो तेरी भी नीयत खराब हो जाएगी। मेरी? मैं तेरी तरह खोखला नहीं हूँ। अच्छा सुनू वाला आदमी हूँ। मैंने आज तक किसी औरत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। अरे देखेगा अभी कैसे, तेरे बच्चे तुझे दूसरी तरफ आंख उठाकर देखने का मौका देंगे, तब देखेगा ना तू। साला ये यहाँ क्या कर रहा है? वैसे कसूर उनका भी नहीं है ना। देखिए जिन बच्चों की माँ बचपन में गुजर जाती है फिर वो थोड़े बिगड़ तो जाती है ना। मैंने अपनी तरफ से माँ और बाप दोनों का प्यार देने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज एहसास होता है कि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। आज महसूस हुआ आ? इतने सालों से तेरे एहसास सोए हुए थे क्या? माफ कीजिए हसमुख जी, आपको अपनी खातिर ना सही, लेकिन अपने बच्चों की खातिर बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं किया? मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उसके बाद कोई नजरों में जची नहीं, आज तक कोई ऐसी मिली नहीं। आज तक नहीं मिली? नहीं नहीं कुछ दिनों पहले तक नहीं मिली, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को बहुत जल्द माँ मिल जाएगी। माँ मिल जाएगी। वैसे अनु जी प्रोग्राम क्या है आपका? खास तो कुछ नहीं। तो फिर कहीं कॉफी पीने चलें? थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी। और बुरा आइडिया नहीं है, चलिए। अरे वाह, एक मिनट, ये फूल बड़ी देर से आपके बालों के लिए मचल रहा है, अगर लगा दीजिए। नवाजिश। दोस्त दोस्त ना
तो कैसे दिल जलाने वाली बात कर रहा है? तू मेरे बचपन का दोस्त है ना? बचपन का? अगर तू दोस्ती का सही मतलब जानता ना दोस्त, तो अपने बचपन के दोस्त के पीठ में खंजर नहीं भोंकता। अबे मैंने कौन सा खंजर घोंपा है तेरी पीठ में? तू क्या बकवास कर रहा है? अच्छा हाँ? कल तू अनुराधा के घर नहीं गया था? अनुराधा? हाँ 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 हा। अरे हाँ गया था, मेरे इसमें खंजर का क्या लेने देना? ऐसी बात करता है जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। अरे तेरे बचपन के दोस्त की महबूबा वही तो है। कौन? अनुराध? क्या बात करते हैं? मुझे कसम से नहीं मालूम था कि तुझसे प्यार। I'm sorry, मुझे नहीं मालूम था। अबे झूठे, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि वही औरत मेरी जिंदगी है। तेरी कार लेकर मैं संगमपुर जाता था, किस लिए जाता था? तूने बताया था, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। भूल गया? हाँ। अरे भूलने की बीमारी तो मुझे है, तू कैसे भूल गया? भूल गया शॉर्टकट में भूलू हसमुख? तू भूला नहीं, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू अपने होने वाली भाभी की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। अरे यार प्यारे, मैंने उसकी तरफ बाद में देखा, उसने पहले मेरी तरफ देखा। उसने देखा? और मेरी तरफ देखते ही वो पहली नजर में मुझसे प्यार करने लग गई। बस बस बस, वो प्यार मुझसे करती है। पिछले दो साल से हमारा ये चक्कर चल रहा है, मालूम है क्या? अरे तेरी गलतफहमी है यार, वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा ठीक है, आज शाम को ही देख लेंगे उसकी बर्थडे पार्टी में। अच्छा ये भी तुझे मालूम है? नहीं ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आज शाम को जाते हैं। अपनी आंखों से ही देख लेना वो किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है, तेरी तरफ या मेरी तरफ। ठीक है, फिर शाम को फैसला हो जाएगा कि वो किसकी भाभी बनती है और किसकी पत्नी। डन। प्यारे जी। अनु जी, many happy returns of the day. Thank you very much. Bye bye. क्या शोशा? Thank you. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. Excuse me, मैं अभी आई हूँ। Excuse me. हेलो, पीली और लाल पड़ा है। हाय, क्या दिख रही है? हाय मुन्नू, ये ऊपर वाले ने भी लड़की जात क्या चीज बनाई है, मुंह बिगाड़ती है तो भी अच्छी लगती है ना? हाँ। प्यारे जी, everything is alright with you? Everything is fine. Excuse me. Oh yeah. जी जी, सब कुछ ठीक ठाक है ना? बस आपकी दुआ है। एक मिनट में आई। हसमुख यार, वो अपने दोनों की तरफ बराबर ध्यान दे रही है, लगता है वो हम दोनों से प्यार करती है। इसलिए हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन वो कुर्बानी देगा कौन? हसमुख, हम दोनों स्कूल साथ गए, कॉलेज साथ गए, जिंदगी का हर सुख दुख साथ मिलकर बांटा। तू क्या चाहता है कि अपना वो बरसों का साथ एक लड़की के लिए छूट जाए? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे मगर प्यारे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कुर्बानी देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? क्या कमीने, तू देगा कुर्बानी? अरे मैं नहीं देने वाला कुर्बानी उर्बानी कुछ भी। अरे तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे तेरी तो कुर्बानी मांग रहे, उधार का पैसा मांग रहे। अरे मुझे मुझे हाँ। दो दिन के प्यार के लिए परसों की मोहब्बत पर हाथ उठाया तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आ जा रिंग के अंदर। अरे आ जा, तू बॉक्सर है तो मैं भी कराटे चैंपियन हूँ। अरे मुझे पकड़ो, नहीं तो मैं इसका सर फोड़ दूंगा। प्लीज अंकल, होश में आइए, आखिर आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? शादी की बात पर। लेकिन किसकी शादी? मैं तो भूल ही गया। ए हसमुख, क्या कर रहा है?
हम किस बात पर लड़ रहे थे? हाँ? वो मैं इतने सालों की दोस्ती में आप लोगों के बीच पहली बार झगड़ा क्यों हुआ? या किसकी शादी के बाद चलो ये मुन्नू की है? मैंने कहा मेरा मुन्नू तेरी बेटी से प्यार करता तो हम लोग अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते। बराबर है कि नहीं? तू ये भड़क गया मेरे ऊपर। अरे भड़कूंगा नहीं, इकलौती बेटी है तेरी, इस लड़के से उसकी शादी करा के उसे जीते जी नरक में भेजा है। ओ अंकल जी, आप मेरे भाई की भरी महफिल में इस तरह बेइज्जती मत कीजिए, आपका भी बहुत हो गया अभी। नहीं नहीं बुन्नू, ऐसा नहीं कहते। अंकल जी सुनिए सुनिए, अपना फैसला सुनाने से पहले अपनी बेटी की दिल की आवाज सुनने की कोशिश तो कीजिए, ये मुझे बहुत प्यार करती है। प्यार? और वो भी तुम जैसे बदमाश से? मैं और रितु